अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड शोबीज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बात करने जा रहे हैं एक ड्रामे के बारे में जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है। लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिस पर लोगों ने उस पर तनकीद करना शुरू कर दी, उस ड्रामे को तनकीद का निशाना बना दिया और कहने लगे ये ड्रामे को बंद कर दो, ये मज़ीद ड्रामा हम नहीं देखना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको देंगे तमाम तर तफसीलात, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रामा रक्से बिस्मिल की, तो उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर है कि इस ड्रामे को कहा जा रहा है कि बंद कर दें, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। इस ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा था क्योंकि इसके अंदर सारा खान और इमरान अशरफ सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस पर इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया गया? ये तमाम तर वजूहात जानने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये ड्रामा बैन होना चाहिए या नहीं। इस ड्रामे पर बहुत ही ज्यादा इतराजात किए गए जो कि नाकाबले बर्दाश्त होते जा रहे थे। सारा खान जो कि जोहरा का किरदार अदा कर रही थी और वो उसमें बजाहिर तो पर्दा करती थी, लेकिन हकीकत में वो ऐसे नहीं थी, यानी कि उनकी हकीकत उसे बरअक्स थी, जिसकी वजह से मूसा उनके साथ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन लोगों का कहना है कि इस्लाम में पर्दा इसलिए करने का कहा गया है कि ताकि औरत अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि उसके बुरके की वजह से एक मर्द उसकी तरफ माइल होता चला गया। ये तमाम तर बातें लोगों का कहना है कि इस्लाम के खिलाफ है और मजहबी रहनुमाओं का भी कहना है कि इस ड्रामे को बंद कर दिया जाए, लेकिन आप हमसे अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।